हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शनमुखम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स बताएंगे। और बच्चों, ऐसे एग्जांपल्स जो शायद है कि आपने किसी विद्यालय या किसी और यूट्यूबर से नहीं पढ़े होंगे। बच्चों, मैं बड़े ही आसानी के साथ आपको वन बाई वन करके एक एक बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक्टिव वॉइस में कर्ता महत्वपूर्ण ना हो तो पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं होता है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम बाई ऑब्जेक्ट हर एक पैसिव वॉइस में लिखें। कुछ ऐसे भी एक्टिव वॉइस होते हैं जिनमें हमें पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी नहीं होता है। तो बच्चों देखिए, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो इसे बच्चों पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, देखिए, माई पॉकेट ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो माई पॉकेट। अब बच्चों आप देख रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की साइक्रिया लगाएंगे। हैज बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पिक्ड को हम पिक्ड ही रखें बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, ये जो संबन है, संबन मीन्स किसी ने, तो यानी हैज, संबन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली। तो बच्चों हम कैसे बनाएंगे, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, हमारी जेब काट ली गई है, यूं कहें कि मेरी जेब काट ली गई है। अब बच्चों किसी ना किसी के द्वारा तो काटी गई होगी, तो बच्चों यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम बाई संबंध रखें। अब बच्चों देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ वर्ब्स जिनके साथ बाई का प्रयोग ना करके एड प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनमें बाई के स्थान पर एड प्रपोजिशन यूज किया जाता है। अब बच्चों कौन कौन सी वर्ब होती हैं देखिए, आइए, जैसे आपकी सरप्राइज, वेक्स्ड, सोक्ड, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, अमेज्ड के साथ पैसे बनाते समय बच्चों एट आता है। तो आइए बच्चों एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपका हिज बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन। तो बच्चों देखिए इसे कैसे बनाएंगे, एवरीवन आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, एवरीवन। अब आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की सक्रिया बच्चों लगाएंगे क्या, वाज, शॉक्ड, हिज बिहेवियर, इससे पहले बच्चों हम क्या बाई के स्थान पर एट लगा लेंगे, एट हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, एवरीवन वाज सोक्ड एट हिज बिहेवियर। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नो ऑब्लाइज के साथ पैसे में बाई के स्थान पर टू आता है। बच्चों यानी कि अगर नो या ऑब्लाइज वर्ब है तो उसके साथ पैसे बॉयस में बाई के स्थान पर हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल है, बी नो हिम, तो आई बच्चों इसकी पैसे बॉयस कैसे बनाएंगे, हिम को बच्चों देखिए सब्जेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ही हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम साइक्रिया लगा लेंगे, इज, नो की हमारी थर्ड फॉर्म बच्चों हो जाएगी क्या, नॉन। अब आपका ये जो बी है, इससे पहले बच्चों किसका यूज कर लेंगे, टू अस, तो हमारा इस प्रकार बन जाएगा, ही इज नॉन टू अस। आइए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, इंप्रेस्ड, एनॉयड, ये आपका डबल हो गया है, प्लीज, सेटिस्फाइड, इंप्रेस्ड, एनॉयड, फिल्ड के साथ पैसिव वॉइस में विद आता है। तो बच्चों ये जो आपकी वर्ब है इनके साथ हमेशा क्या आएगा बच्चों, विद आएगा। तो आइए बच्चों एग्जांपल देखते हैं, जैसे अनुष्का इंप्रेस्ड विराट, तो बच्चों इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, विराट सबसे पहले हम रख लेंगे, आपका ये सब्जेक्ट बन जाएगा विराट। अब पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम साइक क्रिया लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की, बाज, इंप्रेस्ड। अब यहाँ पर बच्चों जो आपका सब्जेक्ट अनुष्का है, इससे पहले बच्चों हम क्या लगा लेंगे, विद लगा लेंगे, विद अनुष्का। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, विराट वाज इंप्रेस्ड विद अनुष्का। आइए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इंक्लूडेड, इंटरेस्टेड, कंटेन के साथ पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर इन आता है। तो आइए बच्चों इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है आपका, दिस जॉब इंटरेस्टेड मी, तो बच्चों मी को हम सब्जेक्ट कर लेंगे, आई,
पास्ट इंडेफिनिट में ये भी सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या? वाज, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अब आपका ये दिस जॉब है, इससे पहले बच्चों देखिए हम क्या लगा लेंगे, इन दिस जॉब। तो इस क्लास बच्चों हमारा बन जाएगा आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। बच्चों तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।